सबसे पहले मैं वापिस शुरू कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, इससे शुरू कर रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलोरी मीटर तो करी है ना तुमने, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी है। This is a specific heat that heat required to increase the temperature of unit mass of a substance by 1 degree centigrade. अब degree of freedom क्या है? Degree of freedom है number of independent ways in which a particle can have energy. तो independent ways कौन-कौन से? जैसे तुम समझो, सबसे पहले मान लो आपके पास monoatomic molecule है। आपको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर पार्टिकल एक ही दर्जा रहा है, एक ही दर्जा रहा है, एक ही दर्जा रहा है, तो जो एक पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं मोनो एटॉमिक गैस, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? तीन, क्योंकि तीन डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन हो सकता है। और तीनों कौन से हो सकते हैं? ट्रांसलेटरी। और हमने जो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी है, तो पोस्टुलेट्स में हमने देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स वो कैसा है, पॉइंट साइज है। तो पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पॉइंट साइज के एक्सिस के बहुत ऊपर तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, क्योंकि इस एक्सिस से इसकी कोई दूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एमआर स्क्वायर। यही बात समझिए, तो अगर ये है ही पॉइंट मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जीरो होगा। तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, तो सिर्फ कौन कौन सी हो सकती है? ट्रांसलेट। तो तीन डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तीन होगी। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैसेस में, किसमें? मोनो एटॉमिक, ये लिखा हुआ है ना, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आई है? और ये सारे के सारे कौन से हैं? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी फिर होंगे रोटेटरी, और फिर क्या होंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। बात समझ में आ गई? रोटेटरी कितना है इसमें? तो टोटल कितना होगा? तीन। मोनोटॉमिक क्या था? अब एक होती है डायटॉमिक, मोनोटॉमिक तो ऐसे हो गए, डायटॉमिक क्या हो गया? दो एटम हो गए, आया ना, इनके बीच में कोई फोर्स है, ठीक है। इसके ट्रांसलेट कितने होंगे? तीन ही होंगे, एक्स वाई जेड। रोटेटरी की बात करते हैं, मान लो ये चीज है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके भी आ जाएगा, पर इसके अबाउट रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? टू। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ये बात समझ में आ गई। फिर एक होता है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक लीनियर। अब पॉलीएटॉमिक लीनियर है, ट्रांसलेटरी थी, रोटेटरी भी दो ही, क्योंकि ऐसे दो हो या दो और लगा दो, एक दो तीन, वन रोटेटरी, टू रोटेटरी, ये तो होगा नहीं, ट्रांसलेटरी तीन। लॉजिक आ गया समझ में? तो आप इन दोनों को एक ही हेडर के अंदर डाल सकते हो, सेम ही है। एंड अब एक होता है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ये तो जैसे एग्जांपल हो गया CO2 का, आया ना, ये एग्जांपल हो गया जैसे H2O का, आया ना, दो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। इसमें रोटेटरी कितने होंगे? तीन। ट्रांसलेटरी भी कितने होंगे? तो टोटल कितने हो जाएंगे? क्या बात समझे? अब एक और होता है हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, तो
ये जो चीज है वो आपस में ऐसे SHM करेगी जैसे एक स्प्रिंग लगी हो, ठीक है। तो स्प्रिंग के कारण SHM के अंदर दो एनर्जी और होती है वाइब्रेशन के कारण, कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल। तुम एक चीज सोचो, दो पत्थर बांध रखे हैं आपने एक स्प्रिंग के, दो पत्थर बांध रखे हैं, तो इस सिस्टम की कौन कौन से मोशन हो सकते हैं वो सोचो, ट्रांसलेटरी, रोटेशनरी, हाँ ना, इसके अकॉर्डिंग तो रोटेट करेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, कौन से के कारण? वाइब्रेशन के कारण। तो हायर टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशन के कारण इसमें 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ ऐड हो जाता है, तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? इसमें भी कितने आ जाएंगे? इसमें कितने आ जाएंगे? और इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम होने के लिए दो पार्टिकल तो होने चाहिए ना इसमें, मोनो एटॉमिक तो एक ही पार्टिकल है, तो स्प्रिंग टाइप के फोर्स लगेंगे किसके साथ? तो कम से कम दो तो चाहिए ना, तो स्प्रिंग टाइप के फोर्सेस बनाएंगे दूसरे के बीच, नहीं एक बार समझ पक्का। तो हायर टेम्परेचर पे इन दोनों में दो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्यों? स्प्रिंग मास सिस्टम का वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, हाँ या ना। तो एट हायर टेम्परेचर के अंदर आप दो दो और ऐड कर सकते, जब तक नाइस स्टेट की आ जाए, नीक आ जाए, तो आप हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर टेम्परेचर वाले वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी ऐड नहीं करोगे। कब तक नहीं करोगे? जब तक स्टेट ना आए। क्या ये बात समझ में आती? अब एक बात है, स्टेट मतलब लिखाना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कि ऑल्सो एज्यूम There are vibratory degree of freedom. बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? अब तुमने तुम्हें कोई तो फॉर्मूला बता दो फटाफट। एक होता है PV equal to nRT, और वो गैस वाले के लिए कौन सा था? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 kT, कुछ ऐसा था ना? अरे यार वो बॉक्स वाली इक्वेशन वाले फॉर्मूले, 3/2 kT, टेम्परेचर इज इक्वल टू 3/2 kT, दैट्स इट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। अरे यार बताओ, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 times आरडी एनआरडी, 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 3/2 kT उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो किसके कारण होता है? मोमेंटम के कारण होता है, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब क्या है? ये आपको ये बताता है, जैसे एक कंटेनर में गैस है तो वो वॉल से प्रेशर लगाएंगे, तो मैं उसका जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है, सारे मॉलिक्यूल्स का बल्क बिहेवियर है, वो तो आपको क्या दिखाई देता है? प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे कि वो प्रेशर एग्जैक्ट किस कारण हो रहा है, तो आपको पता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वॉल के साथ में कंपाउंड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसके कारण उनका क्या इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं, दैट इज पोस्टुलेट। जो भी अजम्पशंस है वो बॉक्स वाली इक्वेशन के डिराइव करने के लिए वो सारे के सारे क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। तो हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप जाके देखोगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स टकरा के वापस आ रहे हैं ना, उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम किसके बराबर हो गया? फोर्स, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किसके बराबर हो गया? प्रेशर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मोमेंटम और प्रेशर के बीच में रिलेशन था वो क्या है? ये भी RMS आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया ना, ये वेलोसिटी है, VRMS है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, वहीं से तो आया है, आया ना। एक और होगा प्रेशर की टर्म्स में भी होगा, प्रेशर इज समथिंग मोमेंटम वाले के साथ, क्या है वो?
जो सबसे पहले इक्वेशन डिराइव हुई थी P equal to mRT by d. mRT by d. ये पति भी होता है यार. तो ये क्या है? ये भी पार्ट 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 थ्री रो बी. हाँ. ये वन बाय थ्री रो बी. ये सब क्या है? ये कैसे दे रही हुई है? ये तो समझ में आ गया फिर सर. इसी से बाद में ये इक्वेशन बनती है इसको CV equal to NRT यूज करने के बाद में. ठीक है, तो बात ये है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी देखनी है मॉलिक्यूल्स की, तो आप क्या करोगे? थ्री बाई टू के टी लिखोगे. और बॉक्स वाली इक्वेशन में कभी कहीं पे भी ये लिखा है मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है. या फिर मैं कहूँ आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा. दैट इज जो एक मॉलिक्यूल का आप कभी टेम्परेचर भी निकाल सकते. एक मॉलिक्यूल का आप कभी टेम्परेचर नहीं निकाल सकते. मैंने क्या बोला? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है. एक मॉलिक्यूल का आप टेम्परेचर नहीं निकाल सकते. पूछो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज ए बल्क बिहेवियर. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बल्क बिहेवियर. ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दियो. आया ना बात समझ में? नहीं, अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल छोड़ दू एयर में, आप उसका प्रेशर नहीं निकाल सकते. एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाल सकते हो? मेरे बात टेम्परेचर किस चीज के लिए निकालेगा? सबसे पहले ये बल्क बिहेवियर है. ये क्या है? बल्क बिहेवियर. एक एटम का बिहेवियर नहीं है. काइनेटिक एनर्जी आप एक पार्टिकल की निकाल सकते हो, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. ठीक है, लेकिन आप एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं निकालते कभी. आप ऐसे लिख लो लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है. अरे निकाल दिया लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है. मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल का क्या प्रेशर होगा, स्पेस में एक मॉलिक्यूल का तो क्या प्रेशर होगा उसका? तुम सोचो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार. हाँ है ना, भी डिफाइन ही कैसे करोगे एक मॉलिक्यूल का प्रेशर? तो इट मींस 100 मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कोई प्रेशर है. इट मींस जो प्रेशर जो चीज है दैट इज बल्क बिहेवियर. एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर नहीं है. तो भी कोई प्रॉपर्टी होती है ना जो बल्क की एक साथ दिखाई देती है. ऐसे ही टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बल्क बिहेवियर है मैटर का, एक पार्टिकल का बिहेवियर नहीं है. अगर आप माइक्रोस्कोपिकली, अगर मैं कहता हूं एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर आपने गैसेज भर रखी है, उस गैस को अगर आप हीटअप करोगे आप बोलोगे जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जाके देखोगे तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? तो इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोपिकली जाके देखोगे तो एक्चुअली में उनका रैंडम मोशन इंक्रीज कर गया होगा. मेरी बात समझ रहे हो? तो जब रैंडम मोशन इंक्रीज कर गया होगा वो मैनिफेस्ट कर रहा है किसके अंदर? टेम्परेचर में. मेरी बात समझ में? जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें, तो एक चीज सोचो, तो
तो माइक्रोस्कोपिकली आप क्या चीज देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, और मैक्रोस्कोपिकली वही चीज किसमें मैनिफेस्ट हो रही है, टेम्परेचर में। तो यार जो टेम्परेचर है वो एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे डिफाइन होगा, वो तो बल्क बिहेवियर हुआ ना, मॉलिक्यूल का बल्क बिहेवियर होना, तभी तो तुम उसको मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हो। नहीं है मेरे पास इसे कहीं को नहीं है, जैसे रुको एक बार बताओ, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है या हिंदू कंट्री है? तो इसका मतलब उसमें एक भी हिंदू नहीं रहता, रहता है ना। तो एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ यार वो मुस्लिम कंट्री है, इसका मतलब ये सारे के सारे उसमें मुस्लिम है। तो इट मीन जब मैं बोल रहा हूँ ना मुस्लिम कंट्री है, इट मीन मैं बल्क बिहेवियर बता रहा हूँ ओवरऑल वो क्या है। जबकि एक एक बंदा, मेजोरिटी भी नहीं बोला मैंने, जबकि एक एक बंदा अलग अलग है, अलग अलग हो सकता है, हो सकता है वहां पे जैन भी मिल जाए, बुद्धिस्ट भी मिल जाए, सारे मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये बोलो ना कौन सी कंट्री है पाकिस्तान, कौन सी कंट्री है रिलीजन बेस्ड में बात करो, तो बोलोगे मुस्लिम, इस्लामिक कंट्री। मेरी बात समझ आएगी? तो ये जो मैं बोलूंगी कौन सी कंट्री, तो मैं एक बंदे को देख के थोड़ी बोल रहा हूँ, किनको देख के बोल रहा हूँ, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे आइडिया लगा के बोल रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, बल्क पैरामीटर हो गया किसी चीज का, बल्क लोगों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, हाँ या ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर, या मैं बोलता हूँ प्रेशर, प्रेशर एक मॉलिक्यूल का, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर आ सकता है, तो फिर सारों के अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, काइनेटिक थ्योरी और गैस की तो जरूरत ही नहीं है। काइनेटिक थ्योरी गैस तो ये कहते हैं कि आप माइक्रोस्कोपिकली एक एक पार्टिकल को देखो क्या चेंज आ रहा है, वही सारे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ होते, तो बल्क बिहेवियर उन्हें क्या चेंज आता है भाई, किसी चीज को खूब सारे पार्टिकल को एक साथ देखा, ठीक है, एक साथ देखा, दैट इज बल्क बिहेवियर। तो बल्क बिहेवियर क्या है, जैसे बल्क बिहेवियर है प्रेशर गैसेस के लिए, बल्क बिहेवियर है वॉल्यूम, आप एक एक एटम का वॉल्यूम भी निकालते, वॉल्यूम है फिर गैस के लिए क्या करते हो आप, सारे मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम आप वही उसका वॉल्यूम बताते हो, तो उसके अंदर तो आप दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस उस वॉल्यूम को भी काउंट कर रहे हो, तो ये कौन सा बिहेवियर है वॉल्यूम काउंट करना, बल्क बिहेवियर, एक पार्टिकल नहीं है। अब तुम क्या दिक्कत है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये, तुम्हें एक पार्टिकल का मतलब समझते, जैसे एक पैन, ये पैन एक पार्टिकल नहीं है, खूब सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ एक पैन है, तो तुम सोचोगे यार इसका टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसमें से सिर्फ एक एटम निकाल लो, अब टेम्परेचर निकाल लो, अब ना निकाल पाओगे, तो एक एटम को अगर आप देखोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये जब सारे के सारे इसके एटम तुम सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे ना, और मान लो तुमने उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ से बढ़ा दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो तुम टोटल सम करोगे ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी उस हिसाब से चेंज आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर किसका बिहेवियर, क्या चीज है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या मैक्रोस्कोपिक लेवल का पैरामीटर है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक को किसके साथ रिलेट करवा रहा है, मैक्रोस्कोपिक। तो तुमने देखा होगा जब आप प्रेशर की इक्वेशन निकालते थे, तब आप देख रहे थे कि आप ना कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल माना, उसका मोशन देखा, फिर देखा कि एक सरफेस पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है, फिर क्योंकि रैंडम मोशन होता है तो उसको क्या कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, फिर बात समझ आई नहीं, ऐसे तो डिवाइड किया था तुमने, तो तुमने एक मॉलिक्यूल को लेके डिस्कस किया माइक्रोस्कोपी, और फिर उसको किसके साथ जोड़ दिया, कंटेनर के प्रेशर के साथ भी जोड़ दिया, कंटेनर के वॉल्यूम के साथ जोड़ दिया, गैस के टेम्परेचर के साथ जोड़ दिया। अब आसान क्या ये पक्का, अब ये बात समझ में आ गई। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि एवं दो स्पेस का टेम्परेचर क्या है, स्पेस में टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो बोल रहा हूं। पहले बताओ जब स्पेस ये तो वैक्यूम हो गया, तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे, कोई नहीं है यार, जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो टेम्परेचर डिफाइन कैसे करोगे,
जीरो नहीं होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। बात ठंड या गर्मी की बात ही नहीं है, मोगलों टेम्परेचर किस है, नॉट डिफाइंड। बात ये है आप पानी गिरा दो वो फ्रीज हो जाएगा, कुछ क्या होगा, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी होती है और वो ऑसिलेट करते ऑसिलेट करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, एनर्जी बाहर निकल जाएगी उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगी। भाई एनर्जी रेडिएट तो हो सकती है ना रेडिएशन में, कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इसलिए तुम पानी छोड़ो बर्फ बन जाएगा। हाँ क्योंकि अब तो तुम वहां पे मॉलिक्यूल ले आए ना, अब उस सैंपल का टेम्परेचर डिफाइंड है, क्योंकि वो तो एटम हो ही गए, मैं बोलता हूँ वैक्यूम ही है यार, जब वैक्यूम ही है तो वहां पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, और जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे, टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए आपको मॉलिक्यूल तो चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे यार स्पेस में जाओ वैक्यूम है, वैक्यूम का क्या टेम्परेचर होता है, वैक्यूम का क्या टेम्परेचर होता है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल ही है तो कैसे डिफाइन करते हो टेम्परेचर। तो आज थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ कि टेम्परेचर क्या चीज है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का बल्क बिहेवियर है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो किस चीज के कारण चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कारण चेंज हो रहा है। बोलो मेरे पास पक्का, ठीक है, देखो तुम्हें ज्यादा आया नहीं है लेकिन बात यह है कि रियली में पता चल जाएगा कि टेम्परेचर है क्या चीज, ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें। अब एक बात सुनो, अब एक लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो ये लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, तो इसे लिखा हुआ है, सर लिखवा रखा है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, भगवान है ना भगवान, हाँ है ना भगवान अल्लाह, इन्होंने ना कभी भी किसी के साथ है ना पार्शियलिटी की, ठीक है, जी किसी की हाइट कम ज्यादा हो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा सबको बराबर एनर्जी, हमारे साथ नहीं, लेकिन ये जो गैस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं सबको बराबर बराबर काइनेटिक एनर्जी दे, बोला हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास बराबर है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, अब वो डिपेंड करता है कि किसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको बोला देखो 3 एनर्जी दी, अगर एक के पास 1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास तो 2 के पास 2, 3 के पास 3, जिसके पास 5 वो 5 रुपए है, जिसके पास 20 वो 20 है, फिर परिवार जिसका ज्यादा बड़ा होगा दैट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, आया ना, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या कहा फिर भी एक बात कही, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर एनर्जी मिलेगी, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी देता है, हाफ के जी, हाफ के जी, एक मोल, अगर 1 मोल की बात करूं तो हाफ आर जी, बात समझ में आई है, अब सुनो अगर मैं बोलूं एक कंटेनर है इसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें कैसे जी, दूसरा कंटेनर है इसमें है ऑक्सीजन 1 मोल, दोनों का टेम्परेचर 300-300 कैल्विन है, याद रखना टेम्परेचर हमेशा कैल्विन में है, ठीक है, मेरे को ये बताओ किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पूछो क्यों, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, हाँ है ना, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी 3/2 kT, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर कितना है, हर एक के पास हाफ केटी है, तो ये कितना हो गया 5/2
तो इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी दे लो, किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, आया ना। अब मैं रिवर्स में इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता हूं, टेम्परेचर डाल दिया, इसका टेम्परेचर T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, और मैं कहता हूं कि मैं दोनों को है ना सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, दैट इज 100 जूल और इसमें भी 100 जूल। मेरे को ये बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीलियम में होगा, जबकि दोनों में बराबर हीट थी है, बराबर हीट थी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर ही थी, मैं मान के जा रहा हूं कोई फर्क नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, आप जितनी भी एनर्जी दोगे, दैट इज 33.33 शुड बी इक्वल टू हाफ के टी, तो टेम्परेचर आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, पांच के पास जाएंगे तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी जाएगी, 20 इक्वल टू हाफ के टी, ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे अगर मैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर ले लूं तो तुम्हें पता चल जाएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, और भी कम। अब तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस पता चल गया, पक्का। एक बात ध्यान से सुनो, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। अब जो मैं बात बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, टेम्परेचर में तो जब आप टेम्परेचर ले लो ये आ गया हाफ के टी, तो टेम्परेचर तो आ जाएगी जितनी हीट होगी उससे ज्यादा टेम्परेचर आ गया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बटा 6 में बटा। आपका एक फॉर्मूला है जो प्रेशर वाला है, ठीक है, प्रेशर वाले के अंदर जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा तुमसे, क्या ये वाले 1 मोल ऑफ हीलियम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों को सेम टेम्परेचर दे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इनकी स्पीड बढ़ेगी टकराने की, तो इनका मोमेंटम भी चेंज हो गया होगा, इसमें प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा, इसमें ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। अब सुना, तुमने एक चीज सुनी होगी, तुमने ये चीज जरूर सुनी होगी कि जो प्रेशर है ना आइडियल गैस के लिए सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अब ये लॉजिक भी समझ लें, एक चीज सुनना, जो मॉलिक्यूल्स इसके टकरा रहे होंगे, जो मॉलिक्यूल्स इसके टकरा रहे होंगे, हमें तो मोमेंटम चेंज ही देखना है, तो आप एक बार मॉलिक्यूल्स इसमें टकरा रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर क्या है, अगर मैं मान लेता हूं दोनों का टेम्परेचर सेम है, दैट इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसका भी टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है, तो आप इनको PV इक्वल टू nRT, और कभी भी ये नहीं पढ़ा तुमने यार ये मोनोएटॉमिक गैस है डायटॉमिक गैस है या पॉलीएटॉमिक गैस, कभी नहीं पढ़ा। आज मैं लॉजिक बता दूं ऐसा क्यों है, ये पॉलीएटॉमिक मोनोएटॉमिक या डायटॉमिक क्यों नहीं बताया, जबकि टेम्परेचर हीट दे रखी है, टेम्परेचर निकालने में चाहिए पॉलीएटॉमिक मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, इसमें क्या नहीं चाहिए, इसके अंदर प्रेशर भी 300-300 केल्विन है, जो ये मॉलिक्यूल आके इधर टकरा के वापस आएगा, और यहां पे जो मॉलिक्यूल इधर आके इधर टकराएगा, इसमें क्या इसकी रोटेटरी स्पीड का कोई फर्क पड़ता है क्या भाई, इसे तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके कारण आएगा, टकरा के वापिस आने वाला है, आया ना। तो अगर सेम टेम्परेचर है तो इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2 की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 3/2 की, आया ना। तो सेम टेम्परेचर पे दोनों की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम है, सही बात है, ट्रांसलेशन समझ रहे हो तुम मेरी बात, रोटेशन का तो लेना देना ही नहीं है प्रेशर के साथ में, रोटेशन तो अपनी जगह पे घूम रहा है, जब वो उसके टकरा के वापिस आएगा ये उसको मोमेंटम चेंज बोलेंगे, तो टकराते टाइम जो मोमेंटम होता है तुम्हें पता है कि मोमेंट पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, और ये जो लीनियर मोमेंटम चेंज होता है इसी के कारण वॉल फोर्स लगा के, तो पी किसके बराबर आ गया, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन,
आया ना, अब तुम्हें पता काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन तो क्या सकती है, सेम है, तो फिर प्रेशर भी करना चाहिए, मोमेंटम चेंज भी करना चाहिए, सेम आना चाहिए, बात समझ में आई। तो आपके पास जो प्रेशर आता है ना वो सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी के कारण आ रहा है, और आप सेम टेम्परेचर है मोनोटोमिक लो, डायटोमिक लो, पॉलीटोमिक लो, कोई भी लो, सबके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ट्रांसलेशन सेम ही आएगी। इसलिए प्रेशर के अंदर आप बोलते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द गैस प्रेशर के बारे में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए कभी भी नहीं बोलोगे। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अभी मैं मोमेंटम के लिए टाइम चेंज नहीं निकाला ना मैंने, अभी तो इक्वेशन और भी आगे बढ़ सकती है ना, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लेनी है आपको, वो भी ट्रांसलेशन। तो चाहिए कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो आपके पास, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हर टाइप की गैस के लिए कितने, तीन, और वो जो आपके पास कौन से है ट्रांसलेटरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी के कारण या फोर्स लगा पा रहे हो वॉल ऑफ द कंटेनर पे, तो उसी के कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द गैस। के बात समझ में आती है अच्छी तरह से। अब ये जो एनर्जी होती है टेम्परेचर के कारण इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया पक्का। अब सुनो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये हो गया, बस मेरे को केटी की तय करा कर, बस ये बताना था आप, मैं थर्मोडायनेमिक्स को यूज करूंगा वो करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर एक चीज काम आई, इतना समझ में आ गया था। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आएगी, मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 आर डी, कितने के लिए, एक मोल के लिए, तो एन मोल के लिए ये पॉलीएटॉमिक के लिए है, सॉरी मोनोटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक लीगर के लिए क्या इंटरनल एनर्जी एन टाइम्स 5/2 आर डी, ये एक मोल के लिए, एन मोल के लिए आ गया, एक मॉलिक्यूल के लिए तो आर के लिए क्या लोग यूज करोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ए, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या जगह, आर लिखोगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल, और के लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल, ये तो लीनियर के लिए, ये पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं ना उसके अंदर, आए ना, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, 6, दैट इज 3r, एक एक मोल देगी, बात समझ में आ गई। अब यहां से बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं, तो अब बता दूं तुम्हें अलग बात, अलग बात क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, चलो सबसे पहले तो तुम्हारे ये पूछा जाता है व्हाट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज जीरो, जीरो 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 जीरो, चलो जीरो लॉ बता देता हूं, ए बी और सी, ये जीरो लॉ है ना, ये टेम्परेचर की फाइंड करने में हेल्प करता है, ये मोस्ट फंडामेंटल है, इसलिए इसको जीरो बोला गया, क्योंकि फर्स्ट पहले किसी को बता दिया तो उससे फंडामेंटल था, इसको बोला ये जीरो ही मानना पड़ेगा, फर्स्ट तो हो चुका है। तो ये कहता है अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में, बी और सी इक्विलिब्रियम में, तो पक्की बात है ए और सी भी इक्विलिब्रियम में, ये पूछा भी जाता है, तो तुम्हें जवाब पता चल गया कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? तीन सिस्टम आ गए ए बी सी, अब बता कैसे, जैसे तो थर्मामीटर यूज करता है टेंपरेचर मेजर करने, तो थर्मामीटर में क्या होता है, एक ग्लास होता है, एक मरकरी होता है, एक ट्यूब होता है,
ठीक है, तो एक ए, एक बी और एक सी। तो जो मरकरी है ना उसको हीट करने पे एक्सपेंड होता है, जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा उसका मतलब उतना ही ज्यादा हीट तुझे उसको दिए और उतना ही ज्यादा तेरा टेम्परेचर हो। तो तूने क्या किया, तेरे टन के नीचे तूने थर्मामीटर लगा दिया। तो जब वो एक्सपेंड होकर रुक जाएगा उसके बाद भी तू उसको निकालेगा ना, एक डेढ़ मिनट के बाद तभी तो टेम्परेचर चेक करता है। तो तू इतनी देर में क्या करता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो, एक चीज ठंडी एक गर्म है कॉन्टेक्ट में लेके आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी हीट इसमें से इसमें जा रही है उतनी हीट इसमें से इसमें जा रही है। तो इसका मतलब ना तो इसकी हीट बढ़ रही है ना इसकी हीट घट रही है, तो दोनों के पास हीट क्या रहती है सेम, दैट इज जितना इनफ्लो हो रहा है हीट का उतना ही क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। अब मैं ये कहता हूं कि आपने दो चीजों को कॉन्टेक्ट में लेकर आए, तो जितनी हीट इससे इसके अंदर की उतनी हीट इसके अंदर की, उस टाइम के बाद में इसका हीट कॉन्टेंट बढ़ लेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल होता बढ़ लेगा काइनेटिक एनर्जी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, आया ना। ऐसे इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो दो चीजों में तब तक हीट ट्रांसफर होगी एक ही डायरेक्शन, दैट इज नेट आउटफ्लो एंड नेट इनफ्लो, तब तक होगी जब तक इन दोनों के बीच का क्या रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है उसे ही हीट बोलते हैं। क्या कहा मैंने, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होती है उसे हम क्या बोलते हैं हीट। तो हीट की तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है क्या है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस नोन एज हीट। अब एक बार बताओ, एक चीज बताओ, एक बाउल है उसके अंदर पानी डाल दिया बर्नर पे उसको गर्म किया, तो अभी तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, बर्नर गर्म हो रहा है, हाँ या ना। तो बर्नर गर्म हो रहा है तो हीट ट्रांसफर होगी यूटेंसिल को, बाउल को, बाउल के बाद में पानी को। अब पानी की, पानी के पास हीट है या नहीं है ये बताओ, हीट नहीं है वो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हीट सिर्फ उसी एनर्जी को बोलते हैं जो ट्रांजिशन के अंदर है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अब वो जब उसके पास आके स्टोर हो गई है ना, अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी को हीट नहीं बोलते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि अगर मान लो एक रॉड है गर्म है और आपने पकड़ लिया, ओहो इसमें तो बहुत हीट है, हीट नहीं है उसमें, उसमें इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो हीट कौन सी एनर्जी है, इट इज द एनर्जी इन ट्रांजिशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब समझ में आ गया हीट क्या चीज है, और वही उसके अंदर किस फॉर्म में चली गई, इंटरनल एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जरूरी नहीं है हीट के कारण ही टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के लिए क्या करना, आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, क्या करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, तुमने देखा होगा कि आप क्या करो, जैसे कोई वायर है, वायर को पकड़ो आसानी से टूटता नहीं है, या फिर आपके पास जो कैन होता है कोको कोला का कैन है उसको तुम मोड़ो बार बार यूं करो, फिर उस पॉइंट पे हाथ लगाओ तुम्हें गर्म लगेगा। कई बार वायर भी होता है, वायर को यूं करते हो फिर हाथ लगा दो वो गर्म हो जाता है। तो यार एक बार बताओ, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वही था, तुम समझते जाना, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वही था और उस वायर का भी टेम्परेचर वही था, तो टेम्परेचर सब बढ़ कैसे गया, तो हीट तो ट्रांसफर हुई भी, क्योंकि हीट तो तब ट्रांसफर होती जब टेम्परेचर डिफरेंस होता, स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर सेम था। तो इस केस में एक्चुअली में आपने जो वर्क किया है ना वो उस मॉलिक्यूल के अंदर है ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज हुई है दैट इज टेम्परेचर बढ़ गया, उसे आप टेम्परेचर बोलते हो। तो एक्चुअली उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि टेम्परेचर किसके कारण है, इंटरनल एनर्जी के कारण। टेम्परेचर किसके कारण है, अब इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है, या काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है या तो वर्क करके या हीट के थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू। इट मींस आपको ये तीनों टर्म एकदम इंडिपेंडेंट समझ में आ गए, पक्का। टेम्परेचर समझ में आ गया, टेम्परेचर किसके कारण होता है, इंटरनल एनर्जी के चेंज के कारण होता है टेम्परेचर चेंज। अब इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, या तो वर्क के कारण या तो
हीट ट्रांसफर के बारे में। तो बेटा तुम थर्मोडायनेमिक्स में यही तो पढ़ते हो, आपने हीट दी, कुछ हीट वर्क कर देगी और कुछ हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, बस यही फॉर्मूला तुम पढ़ते जाओगे। अब अलग अलग कंडीशन होती है, कभी प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, कभी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, कभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। तो तुम्हें सिंपल बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, इसका मतलब जितनी भी हीट दोगे वो किस में जाएगा, वर्क में। अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, दैट इज, मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो यही है, डेल्टा क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अब मैं ये कह रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा, तो इसका मतलब जो भी आप हीट दोगे वो किसमें जाएगा, यार इंटरनल एनर्जी जाता तो टेम्परेचर चेंज हो जाता ना, आया ना, या मानो जो भी आप वर्क करोगे वो किसमें जाएगा, जो भी आप वर्क करोगे किसमें जाएगा, हीट। ये बात समझ में पक्का। अब एक प्रोसेस होता है तुमने सुना होगा जिसका नाम है एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज, जीरो होता है। तो पक्की बात है, अगर आप वर्क करोगे 10 जूल वर्क कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी कितने से कम हो जाएगी, 10 से कम, जीरो ना, आया ना, सही बात है। अगर आप अब इसने मान लो 10 जूल वर्क कर दिया होता तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती, तुम समझ गए, अगर वर्क किया 10 तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आया ना, वाइस वर्सा। देखा होगा जो भी फास्ट प्रोसेस होते हैं, फास्ट प्रोसेस मतलब हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिला, तो जैसे ट्यूब के अंदर तू पंप से हवा डालता है तो तू एकदम से उसको प्रेस करता है, तो जैसे तू प्रेस करेगा तो क्या होगा, वो इतनी जल्दी पिस्टन नीचे चला जाएगा कि जो उसकी वॉल है सिलेंडर जो है उसमें हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला, तो तूने वर्क तो कर दिया, तो जो तूने वर्क किया वो किस में चला जाएगा, इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको हाथ लगाने तो वो गर्म लगेगा। डीजल इंजन के अंदर जो डीजल होगा ऐसे चलता है, ठीक है, जो पिस्टन है ना वो पिस्टन एकदम से प्रेस होता है तो अंदर जो गैसेज होती है ना उसका टेम्परेचर एकदम से राइज कर जाता है, और वो जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना वो डीजल को इग्नाइट करता है, फिर उसमें ब्लास्ट होता है तो फिर से वो एक्सपेंड करता है, उसको मोमेंटम गेन कर चुका तो वो वापस आता है एकदम से कंप्रेस करता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से उसमें ब्लास्ट होता है, बहुत ही बेसिक बात है, आया ना। तो दुनिया में जो भी फास्ट प्रोसेस है वो सारे के सारे कैसे है, एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक का मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज का है, जीरो है, मेरी बात समझ में। तो ये जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस है वो तो हम अगली क्लास में पढ़ी लेंगे, लेकिन इस क्लास का जो मेरा मोटो है ना समझाने का वो ये है कि व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, एंड दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और हमें जो भी पढ़ना हो क्या पढ़ना है, इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है, ये बात समझ आ गई पक्का। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज तो आप हमेशा निकाल ही सकते हो, आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, n f by 2 into r into delta t, आया ना, क्या होगा n into f, f क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, r into delta t टेम्परेचर में चेंज देख लो तो आपको किसका पता चल जाएगा, इंटरनल एनर्जी का। डेल्टा q कैसे निकालोगे, या डेल्टा q तुम्हें पता ही है, m into c into delta t, आया ना, सही बात है। या फिर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स में बात करोगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, आया ना, तो इसको डेल्टा q को क्या बोल दोगे, n into c into delta t, तो इसको फिर मोलर स्पेसिफिक हीट बोलोगे, बात समझ में आई है कि, ये भी कैलकुलेट करना आता है, ये भी कैलकुलेट करना आता है, ये तो सिखाया ही है, ये तो केपीजी में सिखाया है, और ये सर ने कैलोरीमेट्री में सिखाया है। अब प्रॉब्लम से एक चीज ये किसकी है, वर्क की,
तो वर्ग की समझने की कोई बात नहीं, इतना बढ़िया समझा मत, दो मिनट में समझ आ जाए। ये बताओ अभी तक जो बात बताइए समझ में कुछ लग रहा है? थर्मोडायनेमिक्स आ रहा ठीक है। तो बात ये है कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं अभी, अब थोड़ा बात करते हैं किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो आज आप देखते किस किस की डेफिनेशन लिखोगे, खुद रीडिंग लगाओगे, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते जाओ, तो आपको लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी डेफिनेशन लिख लोगे तो रीडिंग लगाओगे तभी तुम्हें आएगा। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में व्हाट इज हीट, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर तो बता दिया तो तुम केटीच में लिख दिया ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड डिसाइडेड बाय टेम्परेचर उसे दिखाओ। और अब बता रहा हूँ वर्क के बारे में, सेकंड लॉ नहीं है है तो बस वो इतना सा ही, बस एक रीडिंग लगा एंट्रोपी, एंट्रोपी है ही नहीं मेरे पास है ना। कोई प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं है ठीक है। अब मेरा काम ये देखिए, मैं थर्मोडायनेमिक्स वापिस पढ़ो, मेरा काम ये है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है ना ये बता दो, तुम्हें पढ़ दो तुम वापिस लोगे, ये डेरिवेशन वेरिएशन सब कर ठीक है, बस ये पता चल जाए कि यार डिफरेंस क्या है ठीक है, और ये आपस में रिलेटेड कैसे, वरना तुम क्या करोगे फॉर्मूले रटे रखोगे उन्हीं को लगाते रहोगे, आधी बार सही आएंगे आंसर आधी बार गलत आएंगे ठीक है। अब सुनो आगे की बात, और अभी तो फर्स्ट लॉ इतना खतरनाक है, तुम बोले ना सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की जरूरत ही नहीं, तुम फर्स्ट लॉ में खत्म हो जाओगे ठीक है, लेकिन अभी करना नहीं है। तुमने पढ़ा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो है भी नहीं वैसे, जेई एडवांस में, मेंस में नहीं है, मेडिकल में नहीं है, नीट वीट में कहीं नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा वो बहुत ही जनरल प्रोसेस होता है ठीक है। अब इधर वर्क के बारे में ठीक है, चीजों को सिंपल रखते हैं एकदम आसानी से। अब है ना तुम लिखो सबसे पहले, हाँ एक यार ये भी लिखा बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ ठीक है, वो सब आते हैं ना बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ ठीक है, अब सुनो एवोगैड्रो लॉ वो सब आते हैं तुम्हें ठीक है, अब सुनो इधर जा। अब है ना अब ना लिखो वर्क, वर्क देखो वर्क क्या है, मान लो एक कंटेनर कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, इसका एरिया ए है, तो इसके नीचे एक तरफ का फोर्स वगैरह होगा, प्रेशर इनटू एरिया या फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर है अगर फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इतना ही फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ज्यादा भी प्रेशर आता है, प्रोवाइडेड पिस्टन हो मासलेस है, प्रोवाइडेड पिस्टन मासलेस है, अगर पिस्टन का मास एम हो गया
तो इसका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर पी मान लो, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, पी इंटू ए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो पी इंटू ए शुड बी इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी। अब बताओ अंदर ज्यादा प्रेशर है कम प्रेशर है, ज्यादा ज्यादा प्रेशर सेम का है तेरी इक्वेशन में, इसके अंदर कुछ चीज ऐड तो प्रेशर ज्यादा ही होगा ना। अगर ये क्या होगा मास होगा, अगर इसका कोई मास नहीं है तो प्रेशर सेम है तभी इक्विलिब्रियम होगा। अब मैं क्या करता हूँ धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ। अब जैसे जैसे मिट्टी डालता जाऊंगा तो वेट बढ़ता जाएगा, पी नॉट तो फिक्स ही है तो इसके अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें पता वॉल्यूम कम होता जाएगा है ना। इस प्रोसेस को बोलते रिवर्सिबल, क्यों आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली तो नीचे जाएगा, थोड़ी सी मिट्टी उठा दो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। और स्टेट क्या होती है, स्टेट होती है जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम हो। क्या कहा मैंने, स्टेट सेम कब होती है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम हो। बात समझ में आई? तो एक खास बात है कि अगर मैं कहता हूं एक गैस उसका टेम्परेचर अभी 300 केल्विन है, थोड़ी देर बाद में भी 300 केल्विन है, तो क्या सेम स्टेट है, नहीं कह सकते। अभी ये कितना प्रेशर क्या और वॉल्यूम क्या है, पी इंटू वी। प्रोडक्ट अगर मान लो 300 आ रहा है तो 300 प्रोडक्ट तो कई तरह से आ सकता है ना, 60 × 5, 5 × 60 कुछ भी हो सकता है प्रेशर और वॉल्यूम। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, 100 × 3 कई पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये सारी सारी स्टेट क्या है, अलग अलग। यूनिक स्टेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम गिवन, आप बता दो ये गैस ये वाली स्टेट है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा था SHM के लिए स्टेट क्या चीज होती है, सेम पोजिशन एंड सेम वेलोसिटी, इसको सेम स्टेट बोलते ना। तो इसके अंदर सेम स्टेट का मतलब क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कोई भी चेंज ना हो, दैट इज ए यूनिक स्टेट है ना। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। जब स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज होती है तो कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा तभी स्टेट चेंज होगी, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस। अगर आप एक स्टेट से चले दूसरी स्टेट में गए, तीसरी स्टेट में गए और वापिस पुरानी स्टेट में आ गए, इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, लेकिन फिर भी स्टेट चेंज हुई हो बीच में, अभी भी ये वही स्टेट है, थोड़ी देर बाद में भी वो, इसके बाद तुम बोलोगे अरे यार ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं, कोई स्टेट ही चेंज हुई, पहले कोई स्टेट चेंज हुई हो वापिस सेम स्टेट में आ जाए, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया, क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम है ना, एंड इट मस्ट हैव चेंज इन इट्स स्टेट, कोई हमें प्रोसेस जरूर होना चाहिए। क्या ये बात गाड़ी समझ में आ गई, स्टेट समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करो, अगर मैं मान लेता हूं इसका कोई वेग ही नहीं, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ी हीट दे दी तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो कंटेनर है थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो मान लो ये वाई डिस्टेंस ऊपर था, थोड़ा सा और ऊपर कितना चले जाएगा, डी वाई, तो ये गैस इसके ऊपर ही धरती का फोर्स लगा दिया, P into A that is F force इसको, और displacement कितना हो गया, तो इस गैस ने इस पिस्टन पे वर्क किया होगा, पॉजिटिव किया है नेगेटिव किया है, नेगेटिव किया है, ये गैस कैसे फोर्स लगा दिया इसके पिस्टन पे, कैसे फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, और displacement कितना हो रहा है इसका, तो वर्क कैसा होगा, तो जो dW वर्क है वो किसके बराबर आ गया, F इंटू डी वाई, एफ किसके बराबर, P इंटू ए इंटू डी वाई, तो ये डी डब्ल्यू वर्क हो गया। अब A इंटू डी वाई क्या चीज है, ये वाला वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, आया ना, बात समझ आई है, तो जो डी डब्ल्यू वो किसके बराबर हो गया, P इंटू डी, और डी वी क्या चीज है, चेंज इन वर्क। अब तुम अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो वर्क डन किसके बराबर आता है, P into D। अब देखो,
केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अंतर क्या है? केमिस्ट्री के अंदर आपको दिया जाता है वर्क डन बाय द सराउंडिंग। तो अगर एवा बताओ इसने गैस ने इस पे पॉजिटिव वर्क किया तो सराउंडिंग में इस पे कैसा वर्क किया? क्योंकि उसने फोर्स ही लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो आगे सही था चीज आया ना। तो हम क्या फिजिक्स में हम जनरली किसके कारण वर्कन देखते हैं? गैस के कारण आया ना। और केमिस्ट्री में जनरली किसके कारण देखते हैं? सराउंडिंग के कारण। केमिस्ट्री में देन ऑन गैस, लेकिन हम तो बोलते हैं कि आप कुछ भी मत करो, जो क्वेश्चन में दिया उसे साथ से सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए है क्या? तो साइन की कभी टेंशन ही नहीं होगी, आया ना। अब सिंपल है, अगर तुम इसको हीट दे रहे हो तो इसको पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे? पॉजिटिव बोलोगे। इसे हीट नहीं करती तो उसको क्या बोलोगे? नेगेटिव बोलोगे। इसने वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क क्या हो गया? गैस के कारण। टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो बस तुम्हें पता ही है, देखो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस वर्क। डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब 100 जूल दी एनर्जी, 30 जूल इसमें चली गई तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर बढ़ा होगा इसका मतलब। और इसने फिर 70 के पास ला गया होगा, दैट इज इसने वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया होगा। तो देखो लॉजिकली एकदम सीधे कनेक्टेड हो जाएंगे, आया ना साइन के साथ में। ये बात समझ आई? तो ये अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वर्क समझ में आ गया, वर्क किसके बराबर है? अगर आप पी इंटू डी भी क्या है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अगर इनिशियल स्टेट ही है और ये मान लो ऐसे जाके ऐसे स्टेट आई है, ये ए स्टेट है, यहाँ से यहाँ गया बी स्टेट है, एरो लगाने जरूरी है। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया, एरो लगाने बहुत जरूरी है तभी पता चलेगा प्रोसेस कौन सा है। अब सुनो ये यहाँ से यहाँ गया तो वर्क डन कितना आएगा? अगर मान लो ये ऐसा होता प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है? बी से देख के समझ। तो इनिशियल स्टेट क्या हो गई? बी। और फाइनल क्या हो गई? ए। वर्ड डन ये आया पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्यों? वॉल्यूम कट। इसमें इस बात से कंफ्यूज मत हो, बट होना कि एरिया किसके ऊपर है या नीचे। तो जब एक बार बता तू सराउंडिंग में पॉजिटिव वर्क किया ना तो गैस इस पे इधर फोर्स लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर, तो गैस भी कैसा वर्क किया है? सर हमने सराउंडिंग का देखने का क्या था? गैस का। मैं जब भी बोलूंगा जनरली से तो बोला ना जाए वर्क इज डन बाय द गैस, गैस के कारण वर्क देख रहा हूं। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क ने गैस ने पॉजिटिव वर्क किया, वॉल्यूम कम हो रहा है तो गैस ने नेगेटिव वर्क किया। तो इसके अंदर गैस ने कैसा वर्क किया? नेगेटिव किया। क्यों? वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। हाँ यार पक्का लॉजिक समझ आएगा? लिख लो ये बात बता मेरे को, ये नहीं पता क्या होता है पर मैं तेरे को ये चीज बताऊं। तूने वर्क डेफिनेशन पढ़ी है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव कब होता है? कब होता है वर्क किसी फोर्स के कारण? तो बस मैंने तो सिंपल वही किया, तो मेरे को किसी का ही नहीं पता किसने क्या लिखा। मेरे को ये पता है जो मैंने पढ़ाया है ना वो आपस में पूरा का पूरा कनेक्ट हो रहा है, उसमें गड़बड़ है तो उसको चेंज कर देना। सर उसमें तो उसमें देखा था ना, सर उसमें क्या बात कर रहे हैं?